दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे सैमसंग की एक और नई फोन के बारे में जो कि ए सीरीज में लॉन्च होने वाला है और इसका कुछ लीक और रूमर निकल के आ चुका है और इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A85। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे इसी सैमसंग गैलेक्सी A85 के बारे में, कैसा होगा ये फोन, इस फोन की फीचर कैसी होगी, इस फोन का प्राइस कितना होगा और ये फोन कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा, इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोग के लिए सबसे पहले लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले हम इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो बैक में आपको ग्लास का बैग मिलेगा जो कि ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ आने वाला है और इसके साथ आपको ट्रिपल लेयर कैमरा, LED फ्लैश और नीचे में आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इसके साथ इस फोन में आपको मेटल की फ्रेम देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबल लेवल की आपको फीलिंग देखने को मिलेगी इस फोन में। इसी के साथ लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का बटन मिलेगा और राइट साइड में आपको पावर लॉक अनलॉक बटन देखने को मिल जाएगी और इसी के साथ नीचे की तरफ आपको सिम ट्रे टूल, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल, माइक ग्रिल देखने को मिल जाएगी और ऊपर की तरफ आपको एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी। और इस डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो डिस्प्ले में आपको ऊपर की तरफ सेंटर पंच होल डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन आने वाला है। इसके साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगी इस फोन में। इसी के साथ ये फ़ोन 6.78 इंच की आपको फुल HD+ OLED डिस्प्ले के साथ आपको ये फ़ोन देखने को मिलेगी जो कि आपको डिस्प्ले वाइज काफ़ी अच्छी ये फ़ोन रहने वाली है और डिजाइन वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज काफ़ी जबरदस्त ये फ़ोन रहेगा। और कोरिलिन का गोरिल्ला ग्लास विक्टस का आपको आगे और पीछे में प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, यानी कि बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी धांसू इस फ़ोन में सैमसंग देने वाला है A85 में। इसी के साथ इस फ़ोन की अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं तो इस फ़ोन में आपको वैसे डिस्प्ले में आपको 120 GHz के डिस्प्ले सेट के साथ ये डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी और परफॉर्मेंस में आपको क्वालकम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगी जो कि एक फ्लेक्सिबल लेवल का प्रोसेसर है। एक साल पुराना ये प्रोसेसर है लेकिन आपको ये प्रोसेसर गेमिंग और परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़बरदस्त काम करता है और ये प्रोसेसर इस फोन में आपको फ्लेक्सिबल लेवल का दिया गया है और गेमिंग को संभालने के लिए आपको एडिनो का GPU देखने को मिल जाएगी, यानी कि आपको परफॉर्मेंस वाइज और गेमिंग वाइज काफ़ी मक्खन ये फ़ोन चलने वाला है क्योंकि इस फोन में आपको फ्लेक्सिबल लेवल का प्रोसेसर दिया गया है, यानी कि बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले और प्रोसेसर इस फोन में आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। इसी के साथ इस फोन के कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं तो कैमरा भी इस फोन का मेन हाईलाइट रहने वाला है क्योंकि इस फोन में आपको देखने को मिलेगा, आपको 200 MP का कैमरा इस फोन में देखने को मिल सकता है जो कि यही मेन लेंस होगा और इसी के साथ आपको 13 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 MP का आपको टेलीफोटो लेंस इस फोन में देखने को मिलेगी सैमसंग की तरफ से। इसी के साथ इस फोन की अगर सेल्फी कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं तो सेल्फी में आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इसी के साथ रियर कैमरा से आप 8K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और इसी के साथ सेल्फी कैमरा से आप 4K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 60 FPS पे। इसके साथ इस फोन की अगर रैम वेरिएंट और प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं तो इस फोन का रैम वेरिएंट आपको 8GB और 12GB के रैम बिट के साथ आ सकता है और इसी के साथ 256GB का आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी और 512GB का। और इसके साथ इस फोन की अगर बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं तो बैटरी में आपको देखने को मिलेगा 5000 mAh की बड़ी बैटरी इस फोन में सैमसंग की तरफ से देखने को मिलेगी और इसी के साथ ये फ़ोन 45W का सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है लेकिन आपको बॉक्स में कोई चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, ये आप अलग से परचेज कर सकते हैं। इस फोन के और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एंड्रॉयड 13 के इंटरफेस के साथ ये फ़ोन आएगा और 4 साल का आपको एंड्रॉयड अपडेट भी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ आपको One UI 5.2 का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगी। इसी के साथ इस फ़ोन की अगर लॉन्च डेट के बारे में बात कर लेते हैं तो ये फ़ोन आपको इस साल के बाद यानी कि जनवरी फरवरी के महीने में ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होते आपको दिख जाएगा। तो आपको इस फोन के बारे में क्या कहना आप मुझे कमेंट बताइए। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।